जी मैं हूँ आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव चल रहा है और प्रत्याशियों के जो है चुनाव चिन्ह उनको मिल चुके हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो निर्दल लड़ रहे हैं और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो पार्टी समर्थित हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 41 अक्था से हमारे साथ हैं एक पार्षद प्रत्याशी, जिनसे मिलते हैं, बहुत सी जानकारी इनसे लेंगे। सर, पहले तो अपना परिचय बताएं दर्शकों को। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। मेरा नाम हृदय राजभर है और मैं 41 अक्था से सभासद प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी से। आपका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? और हमारा मुद्दा मेन है कि यहाँ की जो समस्या है सबसे ज़्यादा सीवर की समस्या है। यहाँ पे मैनहोल जो खुला हुआ है ओपन, चारों तरफ से पूरी बाउंड्री लाइन देखेंगे इतनी ज़्यादा बदबू करती है। आप यहीं से 100 मीटर आगे जस्ट बढ़ेंगे आप देखेंगे चारों तरफ सीवर खुला हुआ है। यहाँ इतनी ज़बरदस्त कॉलोनियाँ होने के बावजूद उसको ढकना चाहिए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ समस्या ये भी कि लाइट की देखेंगे पोल लगा है लेकिन लाइट जलती नहीं, अंदर चले जाएंगे नाली खरंजा उसी तरफ पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं। यहाँ से 20 साल के जो सभासद जी है एक बार उनकी कोई ये गतिविधि नहीं कि जाकर जनता के बीच में पता करें कि स्थिति क्या है। अभी लीडिंग पार्टी के भी प्रत्याशी हैं लाइन में सामने प्रतिद्वंद्वी का, तो आप अपने को उनके बीच में कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा कि दबाव भी होता है एक तरह से, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, अब जनता का जो प्यार मिल रहा है, मैं तो देखिए सिंगल पर्सन अकेला घूम रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है और मैं जितना स्वतंत्र इस समय लड़ रहा हूँ हो सकता है कोई इस समय लड़ा नहीं होगा। इसके लिए जनता के प्रेम है और प्यार है, इसलिए मैं रहने वाला तो हूँ बेनीपुर अक्था का। आप देख रहे हैं कड़िया चक भी है जो प्यार, मैं अकेला चल रहा हूँ और मेरे सभी समर्थक मेरे साथ हैं। क्या क्या दर्शकों से, क्या वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों से हम यही कहेंगे, आपने तो बहुत साल देख लिया, इस बार सभासद ऐसा चुने जो आपका काम है, नेक हो, ईमानदार हो और शिक्षित हो। न कि ऐसा कि जिसको कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए किसी और से सजेशन लेना पड़ता है। वोटरों का एक आरोप है कि जब चुनाव आता है तो लोग मैदान में दिखते हैं और चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते, तो इस पर क्या बेबाकी से नहीं, नहीं ये तो सत्यता है। और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग ये हैं कि जीतने के बाद फील्ड में तो जाते नहीं, जाने के बाद उनको रुझान मिलता है कि 5 साल आप थे का। जो वर्तमान यहाँ के सभासद हैं उनसे कम से कम कुछ नहीं तो 100 लोगों ने प्रश्न किया होगा आप 5 साल थे कहाँ सभासद, आज चुनाव आ गया तो आप दरवाजे पे आ गए, ये स्थिति बनी हुई। क्या इसके बाद आप भी इसी लाइन पे चलेंगे या कुछ बदलाव? नहीं नहीं, हम जरा आपके अनुसार कहना चाहूँगा कि मैं इस बार बदल दूंगा ये प्रक्रिया, चुनाव होता क्या और युवा करना क्या चाहते हैं, इसलिए तो मैं पहली बार सभासद प्रत्याशी हुआ समाजवादी पार्टी से और मैं निरंतर मैं कंटिन्यू 2 साल से अपने फील्ड और समाज में चल रहा हूँ, जिसकी वजह से जनता से आप पक्का वादा कर रहे हैं मीडिया के सामने? मीडिया के सामने पूरा पक्के वादा कर रहा हूँ कि अगर मैं जीत गया तो उनका सम्मान पूरा करूँगा और साथ में आप लोग देखेंगे। ठीक, कहिए जनता की राय लेते हैं। ये टड़िया गांव में आप कितने दिन से रह रही हैं? हम 15-16 साल से। क्या नाम आपका है? शांति गुप्ता। यहाँ का मेन समस्या क्या है, किस समस्या से आप जूझ रही हैं? कभी रोड खराब होता जल्दी बनता नहीं, 4-6 महीने के बाद बनता है। सीवर की बात आ रही है तो क्या? हाँ, वही सीवर वाली जिसे पानी गई टूट गई, तो अभी तो रास्ता बना है लेकिन इधर भी 4-6 महीना पहले बहुत खराब थी, यहाँ पानी जाम थी वहाँ पानी जाम थी, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है। पहले वाले सभासद दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? दरवाजे पे थोड़ी आएंगे, नहीं आते, जब इलेक्शन हुआ तभी आएंगे कि ऐसे के नहीं आते। अच्छा, कभी नहीं दिखाई दिए? नहीं, चलिए इधर भी इलेक्शन था तो एक दिन आए थे। ठीक, क्या नाम आपका है? मंजू, मंजू देवी। कहाँ रहती हैं? अपने घर तो रहती हैं, जगह का नाम है ना टड़िया। टड़िया तो क्या यहाँ पर समस्या है? अब तो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में तमाम नेता आपके बीच में आते हैं, हम लोग नेता पर हल करत हूँ, कुछ तो ना हल करत हूँ। क्या समस्या आपकी है? हम लोग का तो मैं तो बहुत परेशान हूं, हम लोग को सुनवाई नहीं करते, पानी नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? पानी नहीं मिलता समय समय पे, यहां पर किसी कोई कार्रवाई से पानी कैसे पीते हैं? टंकी से पानी नहीं आता है? नहीं, सप्लाई नहीं हो पाता है पानी का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं? तड़िया 24 साना तुरंत से। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही सीवर की है और पानी की। तो इलेक्शन चल रहा है, चुनाना होगा तो किसको चुनेंगे आप? कोई ऐसा प्रत्याशी हो नेता चुना जाए जिससे कि वो हर वर्ग के व्यक्ति की हर मुसीबत हर वर्ग हम लोग गरीब मुसीबत सुने आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुने। ठीक।